श्री आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। बंगाली फिल्मों की एक्ट्रेस और बशीरहार से टीएमसी सांसद नुसरत जहां की प्रेगनेंसी को लेकर शुरू हुआ विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब नुसरत मां भी बन गई है। एक्ट्रेस जब से मां बनी है तब से उनसे एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि उनके बच्चे का पिता कौन है। वो जहां भी जाती है उनसे सब बस यही पूछते हैं। लेकिन अब बेटे के बर्थ रजिस्ट्रेशन की डिटेल पब्लिक डोमेन पर सामने आ चुकी है। ईशान के पिता यश दास गुप्ता है, लेकिन आखिर कौन है ये दास गुप्ता? यश दास गुप्ता और देवाशीष बंगाली इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर हैं। बच्चे के जन्म के वक्त भी वे अस्पताल में दिखाई पड़े थे। पिछले दिनों नुसरत ने उन्हें बच्चे का अभिभावक भी बताया था, लेकिन पिता के नाम को लेकर कुछ भी नहीं कहा था, जिसकी वजह से कयासबाजी का दौर जारी था। यश दास गुप्ता भाजपा से जुड़े हैं, चंडीताला विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़े थे लेकिन हार गए थे। यश दास गुप्ता ने नेशनल टीवी से अपने करियर की शुरुआत की। यश ने हिंदी धारावाहिक बसेरा, बंदिनी, ना आना इस देश मेरी लाडो, अदालत और महिमा शनिदेव की में अपने अभिनय के दम पर दर्शकों के बीच पहचान बनाई। इसके अलावा उन्होंने रितूर मेला झूम तेरा दादा में भी हिस्सा लिया था। उन्होंने बंगाली शो बोझेना से बोझेना में भी काम किया। इसके बाद उन्होंने बंगाली फिल्म मोन जाने ना और SOS कोलकाता में काम किया। नुसरत और यश दास गुप्ता 2020 फिल्म SOS कोलकाता में नजर आए थे। इस फिल्म के दौरान ही यश और नुसरत के बीच दोस्ती गहरी हुई थी। कई बार दोनों को साथ देखा गया था। इन बातों को और हवा तब मिली जब यश और नुसरत की साथ में राजस्थान ट्रिप पर जाने की बात सामने आई। यश दास गुप्ता ने इस बारे में एक इंटरव्यू में बताया था, मैं हर साल रोड ट्रिप पर जाता हूँ, इस साल भी मैं राजस्थान गया था, कोई भी वहां जा सकता है। नुसरत जहां ने कोलकाता के भागीरथी नियोतिया अस्पताल में 26 अगस्त को बच्चे को जन्म दिया था। इसके बाद जब वो छुट्टी मिलने के बाद बाहर निकली थी तो उस दौरान यश ईशान को गोद में लिए हुए दिखाई पड़े थे। जब उनसे बच्चे के पिता को लेकर सवाल किया गया तो सांसद ने कहा था, मुझे लगता है कि किसी महिला से ये पूछना कि उसके बच्चे का पिता कौन, ये बहुत ही ओछा है। इससे एक महिला के चरित्र पर काला धब्बा लगता है। पिता को पता है कि बच्चे का पिता कौन है और हम इस समय पितृत्व कर रहे हैं। मैं और यश एक साथ अच्छा समय बिता रहे हैं। इसके बाद 8 सितंबर को जब नुसरत जहां मीडिया के सामने आई थी तो उन्होंने यश दास गुप्ता को ही अपने बच्चे का अभिभावक बताया था। हालांकि बच्चे की झलक दिखाने के सवाल पर उन्होंने कहा था, ये सवाल आपको उसके पिता से पूछना चाहिए, वो इस समय उसे किसी को देखने नहीं दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि बच्चे के पिता के चाहने पर ही उसे देखा जा सकता है। टीएमसी सांसद नुसरत जहां और निखिल जैन ने कुछ समय तक डेटिंग करने के बाद 19 जून 2019 को टर्की में एक प्राइवेट शादी समारोह में शादी कर ली थी। संसद में सिंदूर साड़ी के साथ पहुंची नुसरत को देख काफी दंग रह गए थे लोग। इसके बाद जून 2021 में इस शादी को अमान्य बताते हुए नुसरत ने कहा था कि शादी तुर्की में हुई थी और ये भारतीय कानूनों के मुताबिक अमान्य है। उसी समय निखिल ने कहा था कि वे और नुसरत 6 महीने से अलग रह रहे हैं और उनके पेट में पल रहा बच्चा उनका नहीं है। बस यही से शुरू हुआ था पूरा विवाद। फिलहाल आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। साथ ही डेली बज इंडिया की सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को भी दबाएं।